ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ठाकुर द्वारा नगरोटा सूर्या में सामुदायिक पंचायत भवन एवं व्यवसायिक परिसर का शिलान्यास किया गया, जिसमें कांगड़ा जिला पंचायत अधिकारी अश्विनी शर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत प्रधान रजनी महाजन ने की। इस मौके पर प्रधान रजनी महाजन स्थानीय बाजारियों व पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा विधायक का नगरोटा सूर्या पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। विधायक अर्जुन सिंह ने पंचायत भवन एवं व्यवसायिक परिसर निर्माण कार्य के लिए 10 लाख रूपये की राशि दी। विधायक ने पंचायत प्रधान रजनी महाजन को विश्वास दिलवाते हुए कहा कि यदि वे पंचायत भवन को आधुनिक सुविधाओं से लैस व ठीक ढंग से इसका निर्माण करती हैं, तो वे 15 लाख अपनी तरफ से, वे 15 लाख हिमाचल सरकार की तरफ से निर्माण कार्य के लिए दिलवाएंगे। उन्होंने ज्वाली के पूर्व विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि 30 साल अपने ज्वाली में राज किया, गरीब किसान का बेटा इस विधानसभा का एमएलए बन गया तो कौन से जुर्म हो गए। उन्होंने कहा कि ज्वाली विधानसभा का हर हॉस्पिटल व डिस्पेंसरी, हर सेंटर को नगरोटा सूर्या के साथ जोड़ने का कार्य अर्जुन सिंह ने किया। वहीं जिला पंचायत अधिकारी अश्विनी शर्मा ने कहा कि आज के समय में करोड़ों रुपए की राशि ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्राम सभाओं में खर्च की जा रही है। जब इतने रुपए विकास कार्यों के लिए खर्च किए जा रहे हैं, तो सबसे पहले पंचायत भवन अच्छे व हाईटेक होने चाहिए। लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं ग्राम पंचायतों में मिलनी चाहिए। विधानसभा का विधायक बन गया, कौन सा जुर्म हो गया? हमने बताओ बाजार वाले, हमने आपसे 10 पैसे भी दिए उस कार्यक्रम के लिए, तहसील देने के लिए, बताओ। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बोल सकता। अरे आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की दरिया दिल्ली है, हमने जो मंच पे मांगा वो आपके सामने मिला, आपके सामने मिला। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ सब भाई बहनों का। आपने हजारों की संख्या में भीड़ जुटाकर साबित कर दिया कि जहां 2022 में भी कमल खिले, कुछ लोग ऐसे मुच्छों को ताव दे रहे हैं, ऐसे ही दे रहे हैं। बारी हमारी आने वाली है, भूल जाओ आप, बारी आपकी आने वाली है। एक कुछ दो लोग हैं, कुछ एक लोग हैं जो सोचते हैं बारी आने वाली है, जिनके दिमाग में थोड़ा बहुत है भी ना, मेरी ब्राय मेहरबानी करके उस सोच को बदलो। एक और बात कहना चाहता हूं, विकास होना चाहिए, विनाश नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जो भी आए वो करे, पर किसी का उसमें विनाश नहीं। हम इस विचारधारा की